भगवान श्री राम यहां पर अपने पूज्य पिताजी का पिंडदान करने के लिए आए थे। आचार्य गणों से चर्चा की, आचार्यों से चर्चा की तो लक्ष्मण को भेजा कि जाओ सामग्री एकत्रित करो। सामग्री एकत्रित होने में विलंब हुआ, शुभ मुहूर्त कम ही समय के लिए रहा होगा। राम जी भी चले गए किसी कार्य से, बोले चलो हम देख के लाते हैं। अब वो मुहूर्त बहुत ही कम समय के लिए था ऐसा कहा गया। उस समय पंडित जी ने कहा, सीता मैया ने कहा कि आप पूजा प्रारंभ कीजिए, हम पूजा करते हैं, तब तक आ जाएंगे राघवेंद्र सरकार हमारे पतिदेव। पंडित जी ने पूजा प्रारंभ की, नहीं आए, पिंडदान का समय हो गया। वहीं से बालू के पिंड बनाकर सीता मैया ने कहा कि हम ही दे देते, दिए। और कहते हैं जब पिंड दिए तो स्वयं दशरथ जी महाराज का दाहिना हाथ प्रकट हो गया। पहले यही था गया में, पहले गया में जिसके नाम से पिंड दिया जाता था वो दिखता था, उसका हाथ आता था और पिंड ले जाता था। मरे पीछे भी सिर्फ इतना समझ लीजिए, पहले सबके ही हाथ दिखते थे, तो दशरथ जी का हाथ आया और वो पिंड लेके चला गया। राम जी आए, जब सरकार पहुंचे तो कहा पूजा प्रारंभ करो, बोले पूजा तो हो गई, पिंड तो हमने दे दिया। पिताजी ने पिंड स्वीकार किया, बोले हाँ स्वीकार किया। बोले गवाही कौन देगा, हमें कैसे लगे भाई, स्त्री देवियां तो पिंड दान कैसे करेंगे, वो स्वीकार कैसे हुआ। बोले ये गाय से पूछ लो, ब्राह्मण देवताओं से पूछ लो, और ये जो फाल्गु नदी है इससे पूछ लो, इन सबको मालूम है कौन सा वृक्ष है, बट वृक्ष, इनसे पूछो, इनको मालूम है। राम जी ने पूछा तो महाराज कई मुकर गए, ब्राह्मण देवता मुकर गए, फल्गु नदी मुकर गई, गाय भी मुकर गई, डर गए। राम जी पूछ रहे हैं पता नहीं कुछ और ना हो जाए, राम जी के हाथ में तो वैसे ही बल तो बल है उनका। गाय ने भी कहा मैं तो नहीं पता, ब्राह्मण देव बोले नहीं पता, फल्गु नदी बोली नहीं पता। सीता माँ को क्रोध आ गया, तुम लोगों के सामने सब हुआ और तुम सब देखे और देखने के बाद भी तुम झूठ बोल रहे हो, साप दे दिया। ब्राह्मणों से को कहा के तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे, चाहे कोई कितनी भी दक्षिणा दे जाए। तुम गाय से कहा कि तेरा मुख कभी अब पूजनीय नहीं रहेगा, कलयुग में आने के बाद तुझे अवक्ष भी भक्ष करना पड़ेगा, ये साप दे दिया सीता मां ने। और फल्गु नदी से कहा कि हमेशा नदियां ऊपर बहती है ना, अब तू नदी बन के ऊपर नहीं नीचे बहेगी, तू दिखेगी नहीं किसी को, ये साप दे दिया। लेकिन बड़ वृक्ष को कहा कि तुमने अकेले ने मेरा साथ दिया है, उन्होंने कहा था कि नहीं मैंने देखा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, जो भी सौभाग्यवती देवियां बट वृक्ष की पूजा करेंगी उनका सुहाग हमेशा दीर्घायु रहेगा, उनको सुख संपत्ति मिलती रहेगी।